सब्सक्राइब करें क्रेजी क्रेविंग्स चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रेजी क्रेविंग्स। आज मैं आपके लिए लाई हूँ अहमदाबाद के बहुत ही फेमस खोगरे सैंडविच की रेसिपी। ये बनाने में जितनी आसान है, खाने में उतनी ही टेस्टी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हम उसके लिए एक चटनी बनाएंगे, और चटनी बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पे थोड़ा हरा धनिया, कुछ अदरक के टुकड़े, दो तीन हरी मिर्च और थोड़े से लहसुन की कलियाँ। और इन सारी चीज़ों को हमें एक साथ मिक्सर जार में डालना है। और यहाँ पे मैं डाल दूँगी थोड़ा सा नमक इसके अंदर, थोड़ा सा चाट मसाला, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे हम मिक्सी में अच्छे से पीस लेंगे। तो देखिए, हमने इसे पीस लिया है। और ये देखिए, आप इसको चाहे तो ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी नमकीन डाल रही हूँ। आप आलू भुजिया या सेव कोई भी नमकीन डाल सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। और इसे भी हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के बाद में हम इसे दोबारा पीस लेंगे। तो चटनी हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। देखिए, बहुत ही बढ़िया कलर इसका निकल के आया है नमकीन ऐड करने से। और इसे अब हम एक कटोरी में निकाल लेंगे अच्छे से पूरी चटनी को। तो चटनी को हमने कटोरी में निकाल लिया है, और अब हम इसकी फिलिंग बनाएंगे। फिलिंग के लिए हमने एक बोल लिया है, और इसमें मैं डालूंगी एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, और साथ ही हम डालेंगे इसमें एक बड़ी शिमला मिर्च, ये भी हमने बारीक काट ली है। इस सैंडविच में सिर्फ प्याज और शिमला मिर्च ही जाता है, और इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया है प्याज भी और शिमला मिर्च भी। तो सैंडविच बनाने के लिए हमने यहाँ पे ली है ब्रेड की स्लाइसेस, और इस पर हम लगा देंगे ये चटनी जो हमने बनाई थी। सारी चटनी हम अच्छे से लगा देंगे। तो चटनी हमारी लग गई है, और अब इसके ऊपर जो हमने फिलिंग बनाई थी प्याज और शिमला मिर्च की, वो हम इसके ऊपर रख देंगे अच्छे से फैला के। और जैसे ही फिलिंग रख देंगे तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़, जो मोज़रेला चीज़ है, ये हम ग्रेट करके डाल देंगे अच्छे से। आप चाहें तो इसकी जगह पे चीज़ स्लाइस भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे ग्रेट करके चीज़ डाला है। चीज़ डालने के बाद ऊपर से हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देंगे, ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप कम तीखा पसंद करते हैं तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। और जैसे ही चिली फ्लेक्स डल जाए, उसके बाद ये जो चटनी लगी हुई स्लाइस है, इसको हम इसके ऊपर से चिपका देंगे, और ये देखिए इस तरीके से, और हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि जो फिलिंग है वो ब्रेड के साथ चिपक जाए। दोनों स्लाइसेस हमने चिपका दिए हैं। और अब क्योंकि हम ये तीन लेयर वाला बना रहे हैं, तो इसके ऊपर हम दोबारा से वही प्रोसेस फॉलो करेंगे जो कि हमने अभी किया था। यहाँ पे दोबारा से हम इसके ऊपर चटनी लगाएंगे। चटनी लगाने के बाद वही फिलिंग प्याज और शिमला मिर्च की, वो हम डालेंगे, और चीज़ ग्रेट करेंगे। और ऊपर से हम डाल देंगे चिली फ्लेक्स अच्छे से। और फिर से वही एक चटनी लगी हुई ब्रेड की स्लाइस, वो हम इसके ऊपर चिपका देंगे, और हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि जो तीनों ब्रेड की स्लाइसेस हैं वो आपस में अच्छे से चिपक जाएं। और अब हम इन स्लाइसेस के ऊपर लगा देंगे बटर। ये हमने रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ बटर है, सॉफ्टन बटर है ये। और ये देखिए, इस तरीके से निकालेंगे और इस तरीके से अच्छे से इसको फैला देंगे पूरे ब्रेड की स्लाइसेस पे। और जब तक हम इसको ब्रेड पे बटर लगा रहे हैं, हमने एक तवा रख दिया था गैस पे गरम करने के लिए। तो तवा हमारा गरम हो चुका है, गैस की फ्लेम हमारी यहाँ पे मीडियम लो है, और ये जो बटर वाला साइड है इसको हम तवे की साइड पे रखेंगे इस तरीके से पलट के, और हल्का सा प्रेस कर देंगे और इसे सेकने देंगे। तब तक सेकेंगे जब तक कि जो नीचे वाला हिस्सा है वो गोल्डन कलर का ना हो जाए बढ़िया सा। और जब तक वो नीचे का हिस्सा सिक रहा है, हम इसके ऊपर की साइड से भी बटर लगा देंगे। बटर अच्छे से लग चुका है, और अब हम चेक कर लेते हैं नीचे का साइड। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया गोल्डन कलर इसमें आया है, और जो अंदर की चीज़ है वो भी मेल्ट होनी शुरू हो गई है। और दूसरी साइड से भी हम इस तरीके से उसको सेक लेंगे, और हमारे बाकी सैंडविचेस भी हम सेकेंगे, और हमारी जो घुघरे सैंडविच है वो बिल्कुल बन के रेडी है, और इसे हम अब सर्व करेंगे।
हमारे घोघरे सैंडविच बनके बिल्कुल रेडी हैं और इसे हम बीच में इस तरीके से काट के सर्व करेंगे। आप इसे नाश्ते में या इवनिंग स्नैक के तौर पे कभी भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी स्नैक है ये। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बने रहिए मेरे साथ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए एवरी ट्यूजडे एंड सैटरडे 2 PM। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।